सो गाइज ये ऑलमोस्ट अब स्टैंड लग रहा है, स्प्रिंग लग चुका है, साइड का रेड कवर लग गया है और अंदर का ये जंप के लिए मैट भी लग गया है, ब्लैक मैट। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कपल एक्सप्रेस व्लॉग्स। तो अपडेट ये है कि आज है 17th मई और आज है हमारी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी ध्वनि का बर्थडे। आप ध्वनि का बर्थडे है तो सुबह से बस इसी चक्कर में लगे हुए थे, हाँ कौन क्या पहनने वाला है पार्टी में, क्यों अब डिसाइडेड हो गया, मतलब सुबह से अब तक काफी हमने मेहनत करी इस चीज को लेकर और फाइनली हमने डिसाइड कर लिया हम क्या पहनने वाले हैं पार्टी में। और उससे पहले अभी तक हम ध्वनि का गिफ्ट नहीं लेकर आए, गिफ्ट भी नहीं लाए और मैं पहनूंगी ये मेरी ड्रेस। हाँ तो ध्वनि का हम गिफ्ट भी नहीं लेकर आए हैं, तो बस अब निकल रहे हैं, प्रियंका को पार्लर जाना है और मैं ध्वनि का गिफ्ट लेने के लिए निकलूंगा उसके बाद, ठीक है ना। हाँ तो मैं बस अपनी ड्रेस को जरा प्रेस वाले पे देख के आती हूँ, तब तक यू कंटिन्यू योर बकेटी। चलो गाइस बाय। तो बस यही है कि अब उसका गिफ्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ गिफ्ट मतलब हमने शॉर्टलिस्ट तो करे हैं, कुछ हैं गिफ्ट मतलब प्रायोरिटी पे कि हाँ ये लिया जा सकता है, और अगर वो नहीं मिले या फिर किसी भी रीजन से वो नहीं आ पाए तो देखते हैं फिर क्या लेते हैं। पता तो निकले यहाँ से, पहले मैं इसको ड्रॉप करूंगा पार्लर पर, फिर वहां से उसके बाद निकलूंगा, ठीक है। आपसे मिलता हूँ रास्ते में। वसुंधरा आना पड़ता है इसका पार्लर के लिए। हाँ, वीआईपी है ये लड़की है। नहीं मुझे मतलब मैं प्रेफर यही करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विसेज। लड़के सही है, जिस मर्जी सैलून में जाके बैठ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता मोस्टली तुम्हारे साथ, तुम्हारे भी प्रेफरेंसेस हैं फॉर द सैलून, क्योंकि बाल अगर आड़े टेढ़े कट गए तो तुमको भी होता है इशू, तो सैलून की प्रेफरेंसेस ऑलवेज होती है और हर किसी की होती है। दो दिन में सेट हो जाता है बाल, उल्टे सीधे कट भी जाते हैं। तुम्हारा हेयर ग्रोथ अच्छा है ना। और लड़कियों के साथ तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, अगर वैक्स वगैरह करवा रहे हैं तो। नहीं मुझे नहीं जानना। नहीं मतलब गर्म होती है ना तो वो जल जाते हैं या जो भी, मतलब बहुत सारा स्यापा होता है, फिर वो इतनी इनकन्वीनियंस मुझे नहीं चाहिए। सो इसलिए जहाँ से मैं हर बार कराती हूँ, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वहीं जाती हूँ, चाहे वो कितना भी दूर हो। तो मैं राजनगर एक्सटेंशन से ऑल द वे वसुंधरा आती हूँ फॉर अपनी एवरी विजिट के लिए। स्पर्श बहुत अच्छा है। So cheap. आए आए. Okay, देंगा guys. कोनी का स्पर्श अच्छा लगता है। Shut up. तो बस अब हम पार्लर पहुंच गए तो मैं निकलती हूँ फटाफट और फिर विनय आगे जाएंगे ध्वनि के गिफ्ट के लिए दिलशाद गार्डन। हाँ अब बताओ तुम सिर्फ गिफ्ट के लिए दिलशाद गार्डन क्यों जा रहे हो? यार वो शॉप हम वहीं पर जाते हैं, वहां से वहाँ कलेक्शन बहुत अच्छा, पहली बात तो ये है। ओके और रेट इतना जबरदस्त। एग्जैक्टली सो दैट्स द प्रेफरेंस नो? नहीं। सो हे गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर गिफ्ट शॉप पर ध्वनि का गिफ्ट लेने के लिए। अब देखते हैं ध्वनि के लिए क्या गिफ्ट लेते हैं, मिलता हूँ आपसे गिफ्ट शॉप में। तो दोस्तों यहाँ मैं गिफ्ट शॉप में आ गया हूँ, ये है सिंगला गिफ्ट शॉप जो कि दिलशाद गार्डन में ही है। गूगल पे आप डालेंगे सिंगला गिफ्ट शॉप तो आपको शायद मिल जाएगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन डाल दूंगा। और ये देखिए पूरा यहाँ गिफ्ट ही गिफ्ट्स हैं, हर एक एज के बच्चों के लिए यहाँ पर प्रॉपर आपको गिफ्ट मिलेंगे और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं धोनी के लिए देखता हूँ, पीछे भी इनका गोदाम है, जाके देखता हूँ क्या है वहाँ पर। तो गाइस हमको एक ट्रैम्पोलिन चाहिए था धोनी के लिए जो कि मेरे को यहाँ मिल गया है, भैया ने मेरे को फोटो वगैरह तो दिखा दिया बट वो ओपन करके नहीं दिखा पाएंगे, बाकी बता रहे हैं कि हाँ हैवी है काफ़ी। और ध्वनि है 3 साल की, अगर 7-8 साल तक वो चल जाएगा, मतलब जब तक ध्वनि 7-8 साल की होगी। और देखता हूँ एक बार प्रियंका को फ़ोन करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है, ठीक है। तो एक ये बस ध्वनि के लिए, उसकी डिमांड थी उसकी, उसको बस चाहिए। एक ट्रैम्पोलिन तो हम ले ही रहे हैं। तो फाइनली निकल गया हूँ गिफ्ट शॉप से, गिफ्ट ले लिया है ध्वनि के लिए,
एक ट्रैम्पोलिन लिया है, वो हमेशा ट्रैम्पोलिन पार्क करते रहती है ना, तो वो घर में ट्रैम्पोलिन पार्क बना देंगे। और बस नहीं ली, बस की एक्चुअली में क्वालिटी कुछ खास मेरे को लग नहीं रही थी, और फिर मैं उनसे बोला भी कि इससे बेटर कोई क्वालिटी अगर बस है तो दिखाओ, बट राइट नाउ उनके पास थी नहीं। हमारे लिए भी मैंने गिफ्ट खरीदा है, मेरे और प्रियंका और बाकी जो भी हमारे घर पर आते हैं जो है चिल आउट करने के लिए, तो उनके लिए, हमारे गेस्ट, हमारे फ्रेंड्स वगैरह के लिए लिया है हमने। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं वो, उसको टावर, जो टावर बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं है, जो वुडन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उससे टावर बनाते हैं, फिर बाद में पीस निकालते हैं, और जिसकी टर्न पर वो टावर गिर जाता है तो वो हार जाता है। शायद आपको पता लग गया होगा, कमेंट में आप मेरे को बता देना उसको क्या कहते हैं। तो वो मैंने खरीदा है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे एक्चुअली। हम वहां पर गए थे सोनम मनीष के अपार्टमेंट में, तो हमने खेला था क्लब हाउस में जहाँ पर इंडोर गेम्स का सेक्शन है, वहां खेला था, और वहां बड़ा मजा आया था हम चारों को वो गेम खेलने में। तो वो ले लिया है, यहाँ पर दिखा मुझे तो मैंने ले लिया, और यहाँ से निकल पड़ा हूँ अब। आई होप कि प्रियंका पार्लर काम हो गया होगा। तो दोस्तों फाइनली बिल्डिंग में आ गए हम, अपनी घर पर आ गए हैं। ये देखिए, ये रहा हमारी बिल्डिंग, ये रही हमारी पार्किंग, और प्रियंका गई अपने ड्रेस लेने के लिए जो कि उसने आयन करने के लिए दे रखी थी। हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही मतलब शॉप है ड्राई क्लीनर की, तो वहाँ पर आयन वगैरह हो जाता है अर्जेंट में, हमको ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से आयन कराते हैं। तो बस ये घर पर आ गए हैं, अब जाते हैं अपने फ्लैट पर, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, तैयार व्यार होते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे। सो हे गाइस, फाइनली तैयार हो गए हैं धोनी के बर्थडे में जाने के लिए। ये देखिए मेरी क्रोशिया शर्ट जो मैं बोल रहा था, फाइनली मैंने पहन लिया है। प्रियंका आज फर्स्ट टाइम पहनी है, लास्ट ईयर खरीदी थी। लास्ट ईयर खरीदी थी। और प्रियंका इज ऑलमोस्ट रेडी या रेडी? रेडी रेडी। चलिए ठीक है, निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे रास्ते में, और नहीं तो सीधा फिर धोनी के बर्थडे में मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलिए। Hey guys, welcome back. तो हम पहुंच गए हैं धोनी के बर्थडे के वेन्यू पर, जो कि है हांडी चढ़ियादी ब्लू सफायर मॉल में, ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो बस अब आपको लेकर के चलते हैं हम अंदर। तो गाइस बस सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन और कौन कौन आया है, मिलवाते हैं थोड़ा। Happy birthday.
ये देखिए गुलाब जामुन और आइसक्रीम दोनों मिक्स करके खाई जा रही है, गुलाब जामुन और आइसक्रीम। अभी ये देखो, ये लिया आइसक्रीम, गुलाब जामुन डिप कर आइसक्रीम में आ रही है। तो फाइनली धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। और ये देखो को, देखो धोनी के बर्थडे गिफ्ट एकदम इकट्ठे करते हुए, और अंकल जी साथ में, और अंकल जी साथ में है। अंकल जी आप चले, मनीष लग रहा है, मैं जा रहा हूं, बढ़िया लग रहा है। क्यों तुम नहीं चल रहे साथ में? नहीं, धोनी को देखो, धोनी अपने गिफ्ट ही नहीं छोड़ रही है। धोनी मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मैं ले जाता हूँ, मैं मेरे को दे दो ना। किसके गिफ्ट है ये? तो मेरे गिफ्ट है। अरे मेरे गिफ्ट है। नहीं फिर किसके है? किसके है ये? किसके गिफ्ट है ये? धोनी के गिफ्ट है। दोस्तों यहाँ से निकल पड़े हैं, प्रियंका को देखो पीछे से आ रही है, धोनी के गिफ्ट्स कुछ मेरे पास आ गए। हम गिफ्ट लाए नहीं, हम लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं धोनी के गिफ्ट्स। पीछे मनीष फोटोग्राफ्स क्लिक करने के एक स्पॉट मिला है, थोड़ा सा फोटो वोटो क्लिक करके की जाए यहाँ पे। बनी फोटो जल्दी, बनी फोटो क्लिक करवा ले। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं, हमारा मन नहीं भरा था पार्टी खा के धोनी के बर्थडे की, तो हम घर आ गए इनके, और अब हो रही है गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले गिफ्ट का नंबर है, किसके गिफ्ट का नंबर है ये? सबसे पहले सबसे बड़े वाले गिफ्ट का नंबर है, और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये दादी ने दिया है, बराबर वाली दादी ने। बेटा प्रियंका मौसी ये लाई है, ये प्रियंका मौसी का गिफ्ट, ये तुमने कट्टे की पैकिंग कहाँ करवाई? ये तो रहने बॉक्स ही दे रहे थे। हाँ यार विनय करवा तो सकते थे ऐसा, और यार थे भी मेरे पास रैपिंग पेपर छे। विनय ने करवाया, विनय का दिमाग लगा। विनय ये अच्छा खासा गिफ्ट रैप हो जाता यार, और लेके जाते हम इतना बड़ा गिफ्ट अंदर बाहर शो ऑफ करते। गिर गया, गिर गया। अरे किसी को मर गया, लो पैर पे गिर गया किसी को। तुम इधर चक्कर में ले लो, इसके चक्कर में बोले चक्कर में कट्टा डर गया, ये काली क्या आएगा, पांच दो आलू पांच दो शक्कर करने। देखिए लड़की से सब्र नहीं हो रहा है, ये अलग अपनी अनबॉक्सिंग करे जा रही है। ध्वनि लुक एट दिस, ध्वनि सरप्राइज। अरे बेटा ये नहीं है, इसको इतने में ही मजे आ गए। ज्यादा बड़ा नहीं है, हम ₹100 चार्ज लगा देते हैं। हाँ लगा लो भाई, नीचे पार्क में रखेंगे। तो गाइज ये है ट्रैम्पोलिन, बहुत टाइम लगाया, बहुत। तो ये बंदा आया क्यों है? एक आदमी लग जाएगा, प्रॉपर ऊपर से। हाँ तो मैंने बोला तो था सेफ्टी देख के ला रहे हम। ध्वनि सो गाइज ये ऑलमोस्ट अब स्टैंड लग रहा है, स्प्रिंग लग चुका है, साइड का रेड कवर लग गया है, और अंदर का ये जंप के लिए मैट भी लग गया है, ब्लैक मैट। ध्वनि आ जा टेस्ट करते हैं, स्टैंड अप, जंप जंप। ओए 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 ओए, खुश थी अपने बर्थडे गिफ्ट में, एक रोप वो स्किपिंग। ध्वनि हाउ इज योर गिफ्ट, यू लाइक इट? ध्वनि डिड यू लाइक इट? देखिए गाइस कितने लोग लग रहे हैं ट्रैम्पोलिन को असेंबल करने में, और ध्वनि के बहुत सारे मजे आ रहे हैं। गेस्ट बुलाने बंद,
मतलब हमारी एंट्री नहीं है ध्वनि के अगले बर्थडे से। ट्रैम्पोलीन ध्वनि, हाँ ध्वनि बेबी, हु गिफ्टेड दिस, ये भी तो देख। हाँ, और ये फायर कैंप के लिए नहीं था, वहाँ लगा लो। और सो जा इसी में, ध्वनि तो सो जाएगी। ध्वनि डिड यू लाइक इट? मैं तो सो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। तो गाइज अभी अभी बस हम निकले ही हैं ध्वनि के घर से और रात के बज रहे हैं 1:15। हमने ट्रैम्पोलिन असेंबल कर लिया, पूरा असेंबल, सारे गिफ्ट्स की अनरैपिंग हो गई, अनबॉक्सिंग हो गई, हमने गेम्स भी खेल लिए बच्चों वाले सारे। और अब बस इतना टाइम, और हम मैंने फिर उसके बाद अपनी वो जो गर्ल गैंग थी, हम सारे जो 4 फ्रेंड्स हैं, सबको वीडियो कॉल भी कर लिया। और अब हम निकले हैं घर के लिए, तो अब बस बहुत ज्यादा थक गए हैं, अब घर पहुंचते हैं और रेस्ट करते हैं। आज के दिन के लिए बस इतना ही। और गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक एंड डू कमेंट नाउ। गुड नाइट।